45 वर्षीय एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर आखिरकार किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे कि उन्हें आज जम्मू यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में अपने कमरे के अंदर अपने आप को फांसी देनी पड़ी। मेरे पास पुलिस ने उनसे उनका बोर्ड जो है वो जब्त किया हुआ, और उस बोर्ड में आप देख सकते हैं उन्हें लिखा है, सब सच है क्योंकि कहानी झूठी है। ये 7/9/2021 इसके नीचे डेट लिखी हुई है। और जो मैंने मालूम किया यहां पर जो लोग जानकार सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि ये 7/9/2022, क्योंकि आज 7 तारीख है, 9/2022 डेट लिखनी थी लेकिन उन्होंने 7/9/2021 गलती से वो डेट लिखी है। किस मानसिक स्थिति में थे प्रोफेसर चंद्रशेखर जिसके कारण उन्होंने आज आत्महत्या की है? उनके शव को अभी यहां से लेकर गए हैं, अब जाहिर सी बात है मेडिकल फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने के लिए उनके शव को यहां से लेकर गए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी आपको बतानी जरूरी है कि ये मीरठ के रहने वाले थे और जम्मू यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी विभाग में पिछले काफी सालों से यहां पर कार्यरत थे, काम कर रहे थे। और इनका परिवार भी, इनकी एक बेटी और इनकी धर्मपत्नी यहीं पर जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहते हैं। और जानकारी के मुताबिक अब उनको जानकारी हुई है कि उनके पति ने आत्महत्या की है। अभी तक फिलहाल ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार किस मानसिक स्थिति में थे प्रोफेसर चंद्रशेखर कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी? क्या स्ट्रेस था, क्या कारण था? डिपार्टमेंट में वो एचओडी बनने जा रहे थे, ये जानकारी भी दी जा रही, अगर वो डिपार्टमेंट के एचओडी बनने जा रहे थे तो आखिरकार क्या कुछ ऐसा डिपार्टमेंट के अंदर घटा जिसके घटने के कारण जो है एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर को आत्महत्या करनी पड़ी। हमने जम्मू यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है और जम्मू यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी घटना है, हम इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि इस वक्त कोई बयान दे सकें या इस पर कोई बात कर सकें, हमारी मेंटल स्टेट इस समय ऐसी है कि हम कोई भी बात इस एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर की इस आत्महत्या को लेकर नहीं करना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको वो नोट दिखाना चाहूंगा, ये वो नोट है जो नोट उनके वहां से उनके रूम से जो है उनके बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि उन्होंने लिखा है सब सच है क्योंकि कहानी झूठी है। अब सवाल ये कि कहानी क्या है, क्या झूठी कहानी थी और क्या सच था, इसके ऊपर से पर्दा जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन ही हटा सकता है, प्रशासन ही बता सकता है कि आखिरकार प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उनको इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। जो विभाग के कुछ और लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा वो सुबह बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या घटा डिपार्टमेंट के अंदर कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज ही विभाग को लेकर मैं आपको बताऊं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक घंटे तक उनकी बॉडी जो है लटकी रही, ये बताया जा रहा है, और एक घंटे के बाद दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजा तोड़कर जो है अंदर लोग गए और उसके बाद जाकर जो है पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसके बाद शव को अपनी कस्टडी में लिया। और कस्टडी में लेने के बाद अब एम्बुलेंस के जरिए उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जाहिर सी बात है, पोस्टमार्टम के लिए और बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए भेजा गया है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं कि ये पूरे अलग अलग विभागों के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और ये स्टाफ है जो यहां पर काम करते हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड्स यहां पर हैं, सभी लोग यहां पर हैं। और इसी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में इस समय वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी वो भी यहां पर अंदर मौजूद हैं, और वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स एसोसिएशन है उसके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, दरवाजा बंद इसीलिए किया गया है क्योंकि कोई बात इस समय यूनिवर्सिटी का प्रशासन मीडिया के साथ नहीं करना चाहता, कुछ भी इस केस को लेकर फिलहाल मीडिया के साथ प्रशासन, फिलहाल मीडिया के साथ जम्मू यूनिवर्सिटी का की एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी बात फिलहाल मीडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। दूसरे सूत्रों के अनुसार एक और बात पता चली है, वो ये पता चला है कि जो एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर थे इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे, उन एलिगेशंस को लेकर कोई कमिटी भी बनाई गई थी, और साथ में कुछ जानकारी ये भी आ रही है सस्पेंशन से जुड़ी हुई भी कोई जानकारी हम तक आ रही है। लेकिन क्या ये तथ्यों के आधार पर है या ये निराधार है सारे का सारा? उनकी सस्पेंशन का कोई मामला नहीं था, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बना था, कोई ऐसी बात नहीं है। इन तमाम चीजों की क्लेरिफिकेशन भी जम्मू यूनिवर्सिटी ही दे सकती है क्योंकि उन्हीं को पता है कि यूनिवर्सिटी में अंदर आखिरकार चल क्या रहा था। सक्सेशन की जंग जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई नई नहीं है, एलिगेशन का लगना, लोगों के ऊपर इल्जामों का लगना, उनकी पड़ताल होना, कमेटियां बनना, जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए कोई नई बात नहीं है। कई कमेटियां बनी, कई इंक्वायरियां हुई, ये जम्मू यूनिवर्सिटी का इतिहास है और ये सब चीजें यहां पर हुई है। लेकिन
एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर के मामले में क्या हुआ, इसको लेकर यूनिवर्सिटी का प्रशासन बिल्कुल सुन्न है, चुप है, खामोश है, कोई बात झूठा नहीं करना चाहती, कोई बात झूठा नहीं करना चाहती। और झूठा कह रही है कि वो इतने शौक में है कि वो अपने एसोसिएट प्रोफेसर को लेकर प्रेस के साथ किसी भी चीज को फिलहाल के लिए शेयर नहीं करना चाहती है। तो इस समय की खबर यही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो साइकोलॉजी विभाग में काम करते थे और मीरठ के रहने वाले थे और यहाँ अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चे के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहते हैं, उन्होंने आत्महत्या की है। और जो अभी तक पता चला है कि आत्महत्या की है, और आत्महत्या करने के बाद पुलिस उनके शव को लेकर यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए निकल चुकी है पोस्टमार्टम और बाकी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करने के लिए। और इसी को लेकर जब हमने झूठा और जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन से बात करने की कोशिश की, दोनों ने हमसे ये कहा कि फिलहाल हम शॉक में हैं, हम यकीन नहीं कर सकते कि एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर हमारे बीच में नहीं है, और इसीलिए हम अभी कोई बात नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है अभी ये प्रकरण हुआ है, इसके बाद डिटेल्स लेने के लिए खुद, और सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रॉय फौरन जो है साइकोलॉजी विभाग में पहुंचे और इस समय अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और सारी जानकारी जो है वो साइकोलॉजी विभाग से ले रहे हैं तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रोफेसर उमेश राय इस समय जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के ये आप दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो बोर्ड है जिस बोर्ड पर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि सब झूठ है कहानी सच्ची है, ये आप देख सकते हैं, ये नोट है। तो इस समय तक अभी तक यही जानकारी जुटा पाए हैं, और अगर इस सुसाइड से जुड़ी हुई कोई जानकारी हमारे पास आएगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे।